नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com और मैं हूं निखिल। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की जोड़ी, डेडली कॉम्बो। इस कॉम्बो ने मुल्क को जो दिया उसमें सबसे ऊपर है इमरजेंसी। 1975 का साल, 25-26 जून के दरमियानी रात इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी हमारे देश के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लेकर लोगों की ओपिनियन बहुत पोलराइज्ड है। इमरजेंसी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अनुशासन पर था, ट्रेन एकदम घड़ी की सुई के साथ चलती थी, और जो लोग इमरजेंसी के विरोधी थे वो ये मानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कहने बस को लोकतंत्र बचा हुआ था, लेकिन लोगों के सारे अधिकार चले गए थे। समर्थन और विरोध को हम फिलहाल के लिए एक तरफ रख दें तो इमरजेंसी देश के इतिहास में एक ऐसा समय भी रहा है जब ढेर सारे किस्से हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बने। इन्हीं में से एक हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इमरजेंसी के समय ज़्यादातर लोगों ने इंदिरा और संजय के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि उस वक्त देश में पार के यही दो सेंटर्स थे। कई तो कालीन के माफिक उनके पैरों में बिछ गए थे। इंदिरा और संजय की जो ये बेरोक टोक ताकत थी उसके सामने जहाँ अच्छे अच्छे उड़ गए, वहीं केरल का एक पादरी अड़ गया। उसने सज़ा की परवाह नहीं की, जेल जाने से नहीं डरा, वो भी तब जब सरकार की आलोचना का मतलब एक अपराध था, संगीन अपराध था। सरकार के खिलाफ लिखने या बोलने वालों को जेल भेजा जा रहा था। इन पादरी का नाम था जोहानन मार थोमा मेट्रोपॉलिटन। ये मार थोमा चर्च के सरदार थे उन दिनों। कहते हैं कि जोहानन बड़े लिबरल टाइप के इंसान थे। उन्हें इमरजेंसी लगने से बड़ी तकलीफ हुई तो उन्होंने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी, और क्या चिट्ठी लिखी, कड़ी निंदा की, जितनी कड़ी होनी चाहिए उतनी कड़ी। जोहानन ने इंदिरा को लिखा कि वो इमरजेंसी वापस लें, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल से रिहा करें, राजनीतिक बंदियों को आज़ाद करें और मीडिया और फ्री स्पीच पर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस मार थोमा चर्च के बारे में थोड़ा बता देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ईसाई मतलब ईसाई है ना, एक यूनिट की तरह वो पूरा रिलीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईसाई धर्म में बहुत सारे पंथ हैं, जैसे कैथलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, और इनके अलावा भी कई सारे चर्चेज हैं। ईसाई धर्म में एक खास तरह के चर्च का मतलब होता है धर्म की एक खास शाखा, एक खास परंपरा। तो ये जो मार थोमा चर्च है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका एक किस्सा है। किसन 52 में सेंट थॉमस नाम के एक संत जहाज पर बैठकर केरल के क्रांगनोर पहुंचे। वो अलेक्जेंड्रिया से आए थे जो कि इजिप्ट में है। उन्होंने 7 जगहों पर चर्च बनाया। यहाँ से ईसाई धर्म की जो शाखा निकली उसको मलंकारा चर्च कहते हैं। बाद में एक बार क्या हुआ कि फारस के एक बिशप को पुर्तगालियों ने पकड़कर जेल में डाल दिया और बाद में उन बिशप की मौत हो गई। इस घटना से नाराज होकर मलंकारा चर्च के करीब 2000 ईसाइयों ने बहुत पहले ऐलान किया कि वो रोम से अलग हैं। इसका मतलब ईसाइयों के धर्म की सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह से उनका कोई नाता नहीं है। यहीं से निकला मार थोमा चर्च। अब लौटते हैं वापस हमारे इमरजेंसी वाले किस्से पर, जोहानन की चिट्ठी पर। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के विरोधियों से ज़्यादा जमात उनके चाटुकारों और उनके चमचों की थी। जोहानन की चिट्ठी पर खूब बवाल मचा। कितना, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अभी कुछ दिन पहले गोवा के आग बिशप की चिट्ठी वाली खबर आपने सुनी होगी। उस चिट्ठी में ऐसा था कि मोदी सरकार की आलोचना लिखी हुई थी, ऐसा कहा गया। फिलहाल कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, फिर भी उस चिट्ठी पर जमकर बवाल हुआ। अब ये सोचिए कि इमरजेंसी के वक्त, जबकि फ्री स्पीच पर अलग अलग तरह की बंदिशें थी, पावर के खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, तब जोहानन की लिखी उस चिट्ठी पर कैसी प्रतिक्रिया हुई होगी। इंदिरा गांधी की सरकार में एक ओम मेहता नाम से नेता होते थे, उनके पास गृह राज्य मंत्री का पद था। वो फायर हो गए, जोहानन को अरेस्ट करना चाहते थे। बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक जो थे उनका अपना मजमा चल रहा था, वो लोग जोहानन के खिलाफ विरोध करने लगे, उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी। उस समय लेकिन केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चेलात अच्युता मेनन। लगातार 2 बार सीएम रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जोहानन को अरेस्ट करने का विरोध किया, कहा कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उनके अरेस्ट का। मुख्यमंत्री बोले तो उनकी कैबिनेट भी बोली, और आखिरकार जोहानन को जेल नहीं जाना पड़ा। इंदिरा गांधी एक ताकतवर नेता थी और इमरजेंसी उनकी ताकत का पीक था। इस दौरान एक धर्मगुरु, एक पादरी ने उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई और उन्हें कुछ जहीन लोगों का साथ भी मिला। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता है। उन देशों के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण देखते हैं, और इसीलिए ये किस्सा हमने इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाया। अगर इस तरह के और किस्से आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वेबसाइट यानी कि www.lallantop.com पर आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।